घोड़ा खुर्दे का नाम ऐसा पड़ा कि जो घोड़ा खुर्दे को वहाँ भगवान जी की बारात उतरी थी, बहुत बड़ी चट्टान थी तो वो वहाँ बारात उतरी थी, तो वहाँ सब पैर की निशानी है, घोड़ा का मांग है, कुत्ता का मांग है, दुल्हा दुल्हन का मांग है और पाछी मांग की यकीरी भी विका लिए, ये मैंने पैर की निशानी से घोड़ा खुर्दे का नाम पढ़िया। This pilot, or for that matter, what Seva does in these villages, is something that begins with the capacities of the people. Looking at them as people who have strength rather than looking at them as victims. This infusion of liquidity into a community, into a family, into a household, every month, predictably, over a period of 1 year, is something that feeds into a life, a rhythm of their own. You infuse capital, you infuse liquid cash into a household, which has its own priorities, its own thinking, its own planning, and then see if this is the right way of addressing poverty. One important fact about the poor is they live in debt as a fact of life. There are some kind of indebtedness where a person goes and becomes a bonded laborer. There are some kinds of indebtedness where children are sold or given away to the landlord. Bondage is a fact of life. They didn't have cash, that's why they take a loan. Since they have taken a loan, they have to repay the loan. Because they have to repay the loan, they work as bonded laborers. And because they work as bonded laborers, they don't get money in cash. So that breeds into a vicious cycle. पड़ोस में चोरल डैम है गाँव, वहाँ पे देखे हमने मछली पकड़ते, हमने उसको पूछे कि भाई आप कहाँ से सीखे मछली पकड़ते हो, कैसे पकड़ने सीखे, बोले हमको भी सिखा दो, बोले फिर एक बोला कि बोले हमारा साथ पानी में बैठेगा, तो एक बार मैं बैठा तो पानी में डूब गया, तो तैरते नहीं आता तो ट्यूब को पकड़ लिया मैंने वापिस, तो वापस ऊपर बिठा लिया मैंने, कि अपन को डर लग रहा है, फिर हमको डरते डरते फिर एक बार फिर बिठाया तो मैं नहीं गिरा, फिर रहते रहते फिर एक बार बैठा तो मेरे को नहीं गिरा, फिर हम दो जने रहते साथ में, फिर बोला सिंगल जा तू, फिर डरते डरते मैं तेरा पानी में ट्यूब पर बैठ के मेरे को डरने लगा, उसके बाद फिर मैंने क्या सोचा कि जाल दी मेरे को मछली पकड़ने की, तो बोले तो जाल डाल, उसके बाद वहाँ से वहाँ बांध दे, उसके बाद फिर निकल को वापस आ जा, तो मैंने यहाँ से जाल डाल लो सर को वहाँ तक डाल दी, वहाँ तक डाल दी, उसके बाद फिर हम डाल के वापस निकल गया। फिर हमने सोचा हमारे गांव में तालाब बना, तो हमने सोचा 3 साल हो गया हमको तालाब बना के, बोले 2 साल तक मछली नहीं छोड़ी अपने तालाब में, हमने सोचा कि फिर अपन भी छोड़ लेते, दूसरे गांव से सिक्का है और यहीं भी छोड़ लेते अपन, अपनी ही मछली पकड़ेंगे। फिर समूह बनाया 15-20 जने ने, तो उसमें से 8-10 अटक गया और बाकी दो जो था उसको खेत गला के बच्चे छोड़ दिया।
हमको ऐसा लग रहा है कि हर साल हम मछली छोड़ते रहेंगे और पकड़ते रहेंगे और हमारा विकास बढ़ता रहेगा। ये तालाब 3 साल हो गया, इसको पानी नहीं था, तो बहुत अच्छा लग रहा है। अब तालाब बन गया तो जो पहले कुछ नहीं मिलता, जो हमको मिल रहा है, हमको देखने की रोटी नहीं मिलती ढंग से, कि टाइम के ऊपर रोटी नहीं मिलती थी, क्या क्या करना क्या नहीं। पानी आ गया तो सबकी हरी भरी हो गई, सब हमको खुशहाली है कम से कम। नहीं तो बाकी जिसके पास कुएँ थे थोड़ा बहुत बोल लेते थे 1-1.5 बीघा में, बस ताकि वही बाकी सब सूखा खेत पड़ा। पानी तो इतना ही है, कम है वो पानी, फसल दूसरी नहीं बो सकते, गेहूँ चने बस, पानी कम है, छोटा तालाब है, इतनी उम्मीद नहीं है ताकि और आगे बढ़ सकते हैं, पानी कमी है। तालाब बढ़ रहता तो अच्छा काम कर सकते हैं, जहाँ तक पहुँच है वहाँ तक जा सकते हैं, उसका आगे नहीं जा सकते हैं। कमाई है हमारी, जहाँ तक पहुँच सकते हैं आगे नहीं जा सकते। Such tasks that are performed by women on the one hand as part of their household roles, children as part of their household roles, we never think of compensating them because we have a very strict division between public and private, and the private is apparently for love and public is supposed to be where you are compensated for your hard work. I think this kind of very artificial and very utterly stupid distinction actually deprives one's community, one large section of our society, any return for its labor. Those tasks are basically invisible from the economy. The individual cash transfer gives citizenship to everybody. It gives citizenship, it recognizes that they are contributing, it recognizes that they are adding to this economy. Otherwise, we are just leaving the patriarchal nature of our society completely unrecognized in our economy. Women are supposed to be looking after children out of utter tremendous love for them, and women are supposed to be cooking for their husbands out of an inborn instinctive love for them, and children are supposed to be obeying parents out of their wonderful fantastic role given to them by the father. The cultural context we also need to address and try to remedy. So money for nothing is really, really important as a value because it compensates those who are not recognized as contributing to the economy. पहले तो कुछ भी नहीं था, इतना कुछ साधन हदन नहीं था, ना तो खेती में काम नहीं था और ना तो ढंग से कोई बच्चे की पढ़ाई में था। 8 महीने वहीं रहते भट्टे पे, फिर रहते 4 महीने यहीं रहता था, 2-2 बीघा जमीन में तो काम करते। गांव पहले था, मेरे शादी करी जब नहीं था, ज्वार और मक्का बोते थे पहले, अभी तालाब बन दिया ने तो जब से तो गांव चने बोने लगे। बड़ी वाली लड़की थी मेरे, छोटी सी मेरे पास में इतनी बड़ी सी, जिससे तबीयत खराब होने लगी तो बिल्कुल 8 दिन 15 दिन महीना भर अच्छा रहते और फिर तबीयत खराब। सरकारी में जाते तो बोल देता कि वहाँ जाओ कि बोले लीक का दवाई गोली में, कोई जा अपनी है तो कोई गरीब लोग की सुनवाई नहीं करते, वहाँ नगद केस तो है तो इलाज करवाओ नहीं तो नहीं। अच्छा हुआ क्योंकि हमने कोई किसी से पास से कर्जा नहीं लिया, पूरा साल नहीं लिए, किसी के पास से कर्जा भी नहीं लिया, और रहते जो अपने छोटे मोटे लेन देन थी वो थोड़े देते रहे, दे दिया हमने, आधे दे आधा नहीं दिया, पहले का था तो कर्जा, जिसके बाद में तो जो बच्चे की पढ़ाई में लगाया और थोड़े बहुत कोई घर में अनाज खरीद दिया,
सामान किराने की दुकान से सामान खरीद के लाया, कंट्रोल में से लाया तो कंट्रोल से तो क्या कि आधे गांव खराब मिलते आधे अच्छे मिलते। पैसे मिले थे ना तो वो हमने तो एक बकरी ले ली थी। बकरी के बाद में हमने तो के बच्चे के को पैसे सामने में सरकार से वो बच्चे के स्कूल का मिले थे तो इसमें थोड़ा को और हमने डाल के तो अच्छी थोड़ी साइकिल ला के दी और एक बैल लियो। हाँ एक बैल लियो मतलब एक तो बैल तो एक की जोड़ी बनाई कि दो कर लाख रखाँगे तो जब है तो जमीन में फसल में काम करेंगे नहीं तो क्या करेंगे काम फसल में। अपने थोड़ा कभी थोड़ा कभी खेतों पैसों रह गए तो इन्हें मकान के बारे में सोच रहा थोड़ा कि मकान थोड़ा अच्छा सुधार लेंगे, नाले ले आवेंगे, कुछ इसको है तो कच्ची दीवार है तो कुछ ईंट ईंट के लगा लेंगे। ऐसे सोच रहा कि हमारा मकान थोड़ा अच्छा ठीक ढंग से बन जाए तो हमको टेंशन है तो जमीन को रहेगा फिर। के बारे में सोच रही पढ़ाएंगे इसको। हाँ अगले साल ये दाखिला निकाल को आठवीं पास यहाँ से हो गया और अब नवीं में तो बाहर प्राइवेट में भर्ती करा। बच्चे को तो जब जहाँ तक इनकी इच्छा रहेगी जहाँ तक पढ़ेगा बच्चे तो अब इनको तो मतलब बारहवीं भी तेरहवीं भी वो पंद्रह क्लास भी पढ़ जाएगा तो फायदा रहेगा इसको। तो सोच रहे ऐसे थे कि बहुत जहाँ तक वो पढ़ेगा जब तक पढ़ाएंगा बच्चे को तो। If you see the rhythm of the village, you will see that children, for instance, they participate in all kinds of activities, right from looking after younger children, getting water from the well, sometimes long distances, participating on the farm work that the parents do. A wide variety of tasks that children do, which contribute to the household, and it contributes to the community in a larger sense, and it contributes to the economy. In a city, in an urban context, we try to insulate children completely from participating in the community activity and the household activity and say that they should do only studies. Whereas in a village, it's not so. I think they participate in everything that they do, plus they also study. It also shows how hard people work all the time in a village, whether they are paid or not. So as much as the cash is important, I think the entitlement also has a symbolic value to the individual who is receiving the money, because through the entitlement you are giving citizenship and you are giving a sense of being a part of the economy. Thank you.